रह जाता है अबाउट कि हमारे पास डायग्नोसिस रह गया सिर्फ, ठीक है। स्टूल एग्जामिनेशन सबसे पहली बात हुई होगी, स्टूल एग्जामिनेशन आपने करना है। स्टूल एग्जामिनेशन में आपने लास्ट सेगमेंट फाइंड करना है, लास्ट सेगमेंट ऑफ अडल्ट वर्म, ठीक है। जो अडल्ट वर्म थे कॉक्सेस का लास्ट सेगमेंट देखना है आफ्टर आ पर्ज, ठीक है। आफ्टर पर्ज लास्ट सेगमेंट ऑफ द अडल्ट वर्म में द फीसेज आपने देखना है। उसके बाद आपने, ये तो हो गया डॉग्स में। अब आपके पास जो हाइड्रेटिस मैन बन रही है ना, जैसे हमारे में हमने डॉग्स को तो नहीं ट्रीट करना, हमें ट्रीट किसे करना है, ह्यूमन्स को, जो ह्यूमन्स में ट्रीट जो सिम्टम्स आ रहे हैं। अब आपने क्या करना है, कैसे आप जो हाइड्रेटेड जो सिस्ट ह्यूमंस में बन रही है उसकी डायग्नोसिस कैसे करोगे आप, ठीक है। उसकी डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहले आपने एक माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करनी होती है। माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिन करोगे आपके पास, ठीक है। जैसे कि आपके सर्जिकल ऑपरेशन कर, उसमें आप उस कार्य के सारे क्या क्या करोगे, आपने वो हाइड्रेटेड सिस्ट को फाइंड करना होता है, ठीक है। फिर आपने जैसे आपने कोई बायोप्सी वगैरह कर ली, वहाँ पे अपने जो सैंपल लिया उसमें आपने हाइड्रेटिस सिस्ट का फ्लूड में देखना है, क्योंकि उसमें स्कॉलिसिस जो प्रोटोस्कॉलिसिस वगैरह बने वो तो नहीं है। देन आपके पास सेकंड होता है एक टेस्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कैंसनी टेस्ट, इसको इंट्राडर्मल टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। ये परफॉर्म करोगे, अब इसकी मैं डिटेल आपको बताती हूँ। फिर आपने करना है एक प्रेसिपिटेशन टेस्ट, पहले सारे के सारे नाम सुन लो कि आपने क्या क्या परफॉर्म करना है। प्रेसिपिटेशन टेस्ट कर लोगे, फिर आप ब्लड की एग्जामिनेशन कर लोगे, ठीक है। एक्सरेज वगैरह करवाओगे, छः टेस्ट टोटल आपने ह्यूमंस में करवाने हैं। देन आपके पास एंड पे रह जाता है एक्सरे टेस्ट के बाद आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कैंसनी टेस्ट क्या था और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या था। जो कैंसनी का टेस्ट होता है ना आपके पास, इसमें आपने क्या करना होता है कि जो हाइड्रेटेड सिस्ट होती है ना, उस सिस्ट का 0.2 ml आपने फ्लूड लेना है, उसको आपने ह्यूमंस में इंट्राडर्मली दे देना है पेशेंट में, ठीक है। जो कि हाइड्रेटेड, आपको पता चला कि हाइड्रेटेड डिजीज का पेशेंट है, तो हाइड्रेटेड सिस्ट का जो 0.2 ml फ्लूड होगा उसको आपने इंट्राडर्मली इंजेक्ट कर देना है। जब आप इंट्राडर्मल इंजेक्ट करोगे, ऑब्वियस है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी से पहले से बनी होंगी, क्योंकि हम पहले से उस पेशेंट में जो है वो डिजीज़ है, तो वो एंटीबॉडी जब रिएक्शन होगा तो आप विद इन 15 मिनट्स क्या आपके पास व्हील प्रोड्यूस होगा। व्हील प्रोड्यूस क्या होता है, रेड जो है वो एक वो जो रेडनेस वगैरह एरिथमेटस कंसेंट्रिक एरिथमेटस जोन व्हील, वो जो रेडनेस सारी वो लाइंस वगैरह पड़ने लग जाते हैं, सब पता चलता है आपके पास अंदर कोई इन्फ्लेमेशन को रिएक्शन हो रहा है उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो व्हील प्रोड्यूस होगा, उसमें एरिथमेटस जोन बन जाएगा, विद इन 15 मिनट्स आपके पास चल जाएगा कि पेशेंट को हाइड्रेटेड डिजीज, मतलब बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगा आपके लैब डायग्नोसिस। फिर आपके पास जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता है कि अपने पेशेंट का सीरम लेना है, हाइड्रेटेड फ्लूड, इन दोनों को आपस में मिला के इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री पे फॉर 1 आवर, ठीक है। पेशेंट का सीरम हाइड्रेटेड फ्लूड को इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री फॉर 1 आवर, और आपके पास विद इन 36 आवर्स आपके पास फ्लोकुलेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ब्लड एग्जामिनेशन में इजोनोफिलिया होगा, सीरोलॉजिकल टेस्ट में आपने कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट करने, इन टेस्ट की डिटेल हमें नहीं पता अभी, ठीक है, पर आके नाम पता होना चाहिए। कंप्लीट फिक्सेशन टेस्ट आपके पास, फ्लोकुलेशन टेस्ट परफॉर्म करो, हीमोग्लोटिनेशन टेस्ट करो, फिर आपने एक्सरे अल्ट्रासाउंड करवाना है जिसमें हाइड्रेटेड सिस्ट इन द बॉडी की डेमोन्स्ट्रेशन आपको मिल जाएगी। तो दीज आर द डायग्नोसिस फॉर एक्निकोकोसिस ग्रैनुलोसिस व्हिच इज द डॉग टेपवर्म।